इस बार त्योहार पे दो स्पेशल सब्जी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। काम में बिजी और समय की कमी, लेकिन त्योहार पे कुछ तो स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी जरूर बनती है। इसलिए इस बार कम समय में दो स्पेशल और इजी रेसिपीज हम बना रहे हैं सब्जी की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड्स देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं दो स्पेशल रेसिपीज, बैगन आलू और गोभी आलू की सब्जी। बैंगन आलू और आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए चलिए पहले सब्जियों को काट लेते हैं। बैंगन आलू बनाने के लिए हमने 250 ग्राम छोटे वाले बैंगन लिए हैं और इसके लिए 3 मीडियम साइज आलू लिए हैं। बैंगन को और आलू को पानी में डिप करके रख दिया है। बैंगन को डंडी उसकी काट लेंगे पहले। अब बीच में से चीरा लगा देंगे और चेक कर लेंगे कि कहीं बैंगन में कोई कीड़ा तो नहीं है। आलू को भी हम आधे आधे काट लेते हैं, दो हिस्सों में टुकड़े कर लेते हैं आलू के। एक टॉवल पे रख के दोनों सब्जियों को अच्छी तरह पोंछ लेंगे, जिससे कि जब फ्राई करें तो तेल का छींटा बाहर ना आए। गोभी भी इसी तरह से हम काट लेंगे। एक छोटा मीडियम साइज हमने गोभी का फूल लिया है, इसके हम सारे डंठल निकाल देंगे और गोभी को हम मीडियम साइज टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत छोटा नहीं काटेंगे, गोभी को छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे, मीडियम साइज टुकड़े इसके रखेंगे हम। इसके लिए हमने दो आलू लिए हैं और आलू को हमने 3 टुकड़े कर लिए हैं, आलू के भी स्लाइसेस कर लिए हैं एक आलू के। दोनों सब्जियों को बनाने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल गर्म करते हैं, एक चुटकी नमक डाल देते हैं तेल में। सारे बैंगन को एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे तेल में। इसी तरह से हम तेल में आलू भी डाल देंगे और दोनों चीजों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। आलू बैंगन फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी सेम ऑयल में हम आलू गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जी को एक दिन पहले भी फ्राई करके रख सकते हैं, जिससे कि त्योहार वाले दिन आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। गोभी आलू को भी हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। गोभी आलू हल्का सुनहरा हो गया है, यह है हल्का सुनहरा। इसको भी हम एक प्लेट में या बोल में निकाल लेते हैं। आलू बैंगन बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेते हैं। उसमें 7 से 8 लहसुन को आधा काट कर हम पहले फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें आधा चम्मच दाना मेथी डालते हैं, आधा चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ है ये डालते हैं, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डालेंगे। हल्का सा सॉटे कर लेते हैं सब चीजों को। एक मीडियम साइज प्याज को हमने स्लाइसेस में काट लिया है, प्याज डालेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 मीडियम साइज टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर वो ऐड करते हैं। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसी स्टेज में हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। एक चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह मिला लेते हैं। बैंगन और आलू जो हमने फ्राई करे थे, अब वो इस मसाले में डालते हैं।
मसाला और सब्जी को अच्छी तरह मिला लेंगे। चौथाई कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम 10 से 12 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर हम कुक कर लेते हैं। पंद्रह मिनट के बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे दो कटी हुई। सब्जी अच्छी तरह गल चुकी है। आलू बैंगन बनके तैयार हो गया है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और अब हम गोभी आलू बनाएंगे जो हम साबुत मसालों के साथ बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। आलू गोभी बनाने के लिए एक कढ़ाई में एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें तेज पत्ता डालेंगे, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, एक चम्मच साबुत जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। अब जो गोभी फ्राई करके रखी है आलू गोभी वो ऐड करेंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिला लेते हैं। क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। एक बार फिर मसालों के साथ गोभी आलू को मिला लेते हैं अच्छी तरह। दो से तीन चम्मच पानी ऐड करेंगे, डेढ़ चम्मच सूखा धनिया जिसको हमने कूट लिया है वो ऐड करते हैं, दरदरा कूटा है इसको वो ऐड करेंगे। दो चम्मच ताजा दही जिसको अच्छी तरह फेंट लिया है, अब इसमें गोभी आलू में दही को ऐड करते हैं, अच्छी तरह मिला लेते हैं जिससे कि दही फटे नहीं। कवर करके 3 से 4 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। गोभी आलू अच्छी तरह गल गया है। कटा हुआ अदरक इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं। सब्जी बनके तैयार है। बिना प्याज लहसुन के झटपट बनने वाली आलू गोभी बनके तैयार है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देते हैं और सर्व करते हैं। त्योहार पे पूड़ी कचौड़ी के साथ ट्रेडिशनल सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। इस दीपावली पे बिना प्याज लहसुन की आलू गोभी जो हमने खड़े मसाले के साथ बनाई जरूर ट्राई करिएगा। आलू बैंगन भी जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज हैं। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को देखते रहिएगा। ट्रेडिशनल रेसिपीज अभी और भी हम शेयर करेंगे दीपावली के लिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।